अभी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ साइंस की बुक का चैप्टर थर्टीन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखेंगे तो क्वेश्चन वन से टेन तक हम लोग इसका देख चुके हैं अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अलेवन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमें क्या करना है लेबल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक मोटर का और इसके प्रिंसिपल और वर्किंग को एक्सप्लेन करना है और स्प्लिटरिंग का जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में वो क्या होता है तो देखिए यहाँ पर ये है डायग्राम इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ठीक है फिर ये जो है ब्रशेस हैं स्प्लिट रिंग्स हैं एक्सल है और ये बैटरी लगी हुई है तो इस तरीके से तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मकैनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मकैनिकल एनर्जी में चेंज करती है जैसे कि आपकी मोटर है जब मोटर चलती है आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और ज़मीन से पानी उठ करके टैंक में चला जाता है यानी कि मकैनिकल वर्क हो रहा है प्रिंसिपल क्या होता है इसका इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉक यानी कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है विच टैंड टू रोटेटेड तो जो करंट कैरिंग कॉयल है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं देखो ये करंट कैरिंग कॉल है इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर इसकी वजह से कॉयल जो है फिर वो रोटेट करने लगती है वर्किंग क्या होती है अ करंट फ्लो थ्रू अ कोयल आर्म्स ए बी सी डी एक्सपीरियंस फोर्स जब करंट जो है फ्लो करता है कॉयल में से तो आर्म ए बी और सी डी ठीक है आर्म ए बी और सी डी इस पर जो है फोर्स लग रहा है देखो वेन करंट फ्लो थ्रू द कोयल आर्म्स ए बी सी डी एक्सपीरियंस अ फोर्स जब कोयल में से करंट फ्लो करता है ए बी सी डी कोयल है उसमें से जब करंट फ्लो करता है तो आर्म जो है ना उसकी ए बी सी डी उस पर एक फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है ना इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है आर्म ए बी ऑफ द कॉयल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो देखो जैसे कि ये है ना ए बी सी डी ए बी सी डी इस तरीके से हम अगर यहाँ पर बना लें ऐसे करके ए बी सी टी इस तरीके से हमने बना लिया तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है तो ए बी आम ए बी ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आम ए बी जो है वो फोर्स नीचे की तरफ इसकी लग रही है आम ए बी पर जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है सिमिलरली जो आम सी डी है उस पर जो फोर्स लग रही है सिमिलरली आम सी डी ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन सी डी पर जो है फोर्स अपवर्ड ऊपर की तरफ लग रही है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एंड द कोईल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है तो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो जो कॉयल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टी सी उल्टी तरफ को कॉयल घूमेगी नेक्स्ट स्टेप आता है वेन द कोयल रोटेट द वर्टिकल पोजिशन वेन द कोयल रीचेज द वर्टिकल पोजिशन नो करंट फ्लोर्स इन द कोयल एंड नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉयल इन दिस पोजिशन तो जब कॉयल जो है वो वर्टिकल यानी कि सीधी हो जाती है सीधी खड़ी हो जाती है वर्टिकल होती है ऊपर की तरफ जब कॉयल की पोजीशन आ जाती है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती है और उस पर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है और वो वैसे ही वैसी रह जाती है नाउ कॉयल रोटेट्स फर्दर एंड साइड ए बी अब जो है और आगे फर्दर रोटेट करती है सीधे खड़े होने के बाद अब कॉयल ए बी मूव्ड ऑन द राइट तो कॉयल ए बी जो है वो राइट साइड में मूव करती है विद इट्स कॉम्यूटेटर सेगमेंट टचिंग द राइट हैंड ब्रश सो इट हैज डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग इट सिमिलरली साइड सी डी हैज अवर फोर्स ऑन इट दस कपल ऑलवेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड द कॉय स्पिन तो मतलब जो है क्लॉकवाइज पहले एंटी क्लॉकवाइज था फिर वर्टिकली रोटेट हुआ फिर आम ए बी पर जो है आम ए बी ने रोटेट uh, करना स्टार्ट किया फिर कम्यूटेटर इस तरीके से घूमा फिर से फोर्स जो है लग गई फिर सिमिलरली आम जो सीडी थी ये वाली जो आम सीडी थी ये अपवर्ड फोर्स इस पर लगेगी फिर ये कॉयल घूमती रहेगी द स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर हेल्प टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट तो स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर इसका क्या काम होता है ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है सर्किट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्यूटेटर का काम होता है करंट की डायरेक्शन को सर्किट में रिवर्स कर देना तो यही था हमारा नेक्स्ट है नेम सम समिवाइजेज़ इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज तो इलेक्ट्रिक मोटर्स किस किस में इस्तेमाल होती हैं तो इलेक्ट्रिक फैन और वॉशिंग मशीन वाटर पम्प इलेक्ट्रिक मिक्सर ग्राइंडर सब में जो है इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ कनेक्टेड टू अ गिलवेनोमीटर वॉट विल हैपन इफ़ अ बार मैगनेट इज पुस्ट इन टू द कॉल तो कॉइल ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है और जो है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है तो व्हाट विल हैपन जब बार मैग्नेट कॉइल के अंदर को डाला जाएगा कॉइल के अंदर को जब हम बार मैग्नेट डालेंगे तब क्या होगा मेन बार मैग्नेट इज पुस्ट इन टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस तो जब बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कॉइल का वो बदल जाएगा हैंज इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल मोमेंटरली एज अ रिजल्ट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट मोमेंटरली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो मैग्नेट इज पुस्ट इनटू द कॉइल जब कॉयल के अंदर मैग्नेट को हम लोग पुश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कोयल चेंजेस जब मैग्नेट के अंदर हम लोग कॉयल को पुश करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कायल में वो बदल जाएगा हैंस इलेक्ट्रिक करंट इज़ इंड्यूसड इन द कोयल मोमेंटरली तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थोड़ी देर के लिए कॉयल में इंड्यूस हो जाएगा एज अ रिजल्ट गेलवेनोमीटर डिफ्लेक्ट मोमेंटरली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो एज अ रिजल्ट क्या होगा गेलवेनोमीटर जो है वो थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्ट करेगा तो जब हम लोग जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को गेलवेनोमीटर जो कनेक्टेड है उसमें अगर हम लोग बार मैग्नेट डाल देंगे तो थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड कॉइल के अंदर से अगर हम लोग जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर वाली थी उसमें से अगर हम लोग बार मैग्नेट को निकाल देंगे तो वेन बार मैग्नेट इज विदड्रॉन फ्रॉम तो इनसाइड द कॉल अगेन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉल चेंज तो बार मैग्नेट जब हम लोग कॉल के दे बाहर से निकाल देंगे मतलब निकाल देंगे बार मैग्नेट को कोयल में से तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज होगा हैंस करंट इज इंड्यूज इन द सर्किट मोमेंटरीली इन द अपोजिट डायरेक्शन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस एज अ रिजल्ट गैनवेमीटर डिफ्लेक्ट अगेन मोमेंटरीली इन द अपोजिट डायरेक्शन तो जब फर्स्ट में भी डिफ्लेक्शन हुआ था सेकंड में भी डिफ्लेक्शन हुआ था बट डिफ्लेक्शन जो होगा गेनवेनोमीटर का वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि एक बार अंदर जा रहा है और एक बार जो है बार मैग्नेट बाहर निकल रहा है तो डिफ्लेक्शन तो होगा मतलब जो आ, नीडल है कैलवेमीटर की वो तो हिलेगी बट डायरेक्शन उसकी अलग अलग होगी हेल्ड स्टेशनरी इन द कॉइल तो अगर मैग्नेट को हम लोग कॉइल में रख देंगे तो इस फिर क्या होगा वेन बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इन द कॉइल मैग्नेटिक थ्रू द कॉल डज नॉट चेंज हैंड देर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉयल एंड नो डिफ्लेक्शन इन द गलवेनोमीटर तो भाई अगर आप लोग कॉयल के अंदर डाल रहे हैं मैग्नेट को या फिर बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना तभी गलवेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है अदरवाइज अगर आप कॉयल के अंदर मैग्नेट रखी हुई है कोई भी चेंज नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा गलवेनोमीटर में क्वेश्चन फोर्टीन है टू सर्कुलर कॉयल्स ए एंड बी आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर दो कॉयल्स हैं ठीक है एक कॉयल है ए ठीक है और दूसरी कोयल जो है दूसरी कोयल का नाम है बी तो दो कॉयल्स हैं ए और बी उनको हमने पास पास रखा हुआ है इफ़ द करंट इन द कोयल ए इज चेंज अगर कोयल ए में करंट चेंज होता है विल सम करंट भी इंड्यूस इन द कोयल भी अगर कॉल ए में कुछ करंट चेंज हो रहा है तो क्या कॉयल बी में भी कुछ करंट इंड्यूस होगा तो भाई होता है तो करंट ए करंट इन ए प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इट तो अगर ए में जो है करंट चेंज हो रहा है ना तो इसके अराउंड ना एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा एंड इफ़ बी इज क्लोज टू ए अगर बी जो है वो ए के क्लोज है तो इसके अराउंड भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इफ़ बी इज क्लोज टू ए पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेज थ्रू बी इफ़ करंट इन ए इज चेंज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू बी ऑल्सो चेंजेज हैंस करंट विल बी जनरेटेड इन बी तो भाई इसमें हमने ए में अपने करंट इंड्यूस करा ना तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसकी वजह से बी के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्योंकि बी और ए पास पास है और फिर बी में भी करंट इंड्यूस होगा फिफ्टीन है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर तो अगर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है तो रूल दैट यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज राइट हैंड रूल और मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल तो राइट हैंड थंब रूल इस वाले में पहले वाले में आएगा नेक्स्ट है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेसड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर तो जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है करंट इंड्यूस्ड इन अ कोयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कोयल ड्यू टू रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन जो कि करंट जो कि कॉयल में इंड्यूस हो रहा है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसड करंट इन अ कोयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड अब सिक्सटीन है एक्सप्लेन द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का वही हमें लेबल डायग्राम बनाना है और ब्रशेज़ का फंक्शन बताना है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाँच पाँच नंबर का आ जाता है एग्जाम में तो इस तरीके से ये देखो तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है जनरेटर में मोटर में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो रही थी प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू विच इफ अ क्लोज कॉल इज रोटेटेड अबाउट द एक्सेस परपेंडिकुलर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस हुज डायरेक्शन इज गवर्न बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है इसमें क्या होता है अगर कॉयल को हम लोग परपेंडिकुलर रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा अब कंस्ट्रक्शन तो देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या क्या होता है एक रेक्टेंगुलर देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर में कॉल होती है ठीक है ये कॉइल है और इसमें अर्मेचर होता है मैग्नेट होती है स्लिपरिंग होते हैं और कार्बन ब्रशेज होते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें इसमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में इस तरीके से होती हैं अब वर्किंग काम कैसे करता है तो वेन आर्मेचर इज रोटेटेड इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो जो आर्मेचर है जब मतलब ये जो है ये ये जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा इन साइड द मैग्नेट तो ये मैग्नेट magnet है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जब ये जो कॉयल है ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैगनेट इट कट्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिस चेंजिंग फील्ड प्रोड्यूस इंट्यूस करेंट इन द कॉयल हुज डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें लग रहा है और जब ये जो कॉयल है इसको हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता हुआ जो है इंड्यूस करंट दिस चेंजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उससे क्या होता है कॉल में करंट इंड्यूस होता है व्हेन एक्सेल अटैच टू टू स्लिप रिंग्स तो देखो जो स्लिप रिंग्स हैं इससे एक्सेल अटैच हैं ठीक है तो इज रोटेटेड सच दैट द आर्म ए बी मूव्स अप एंड सी डी मूव्स डाउन तो ए बी ठीक है ए बी जब मूव करेगा ऊपर की तरफ जब ए बी ऊपर जाएगा तो सी डी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा ड्यू टू इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी तो इस तरीके से ऐसे ए टू बी फिर उसके बाद सी टू डी ऐसे करके करंट इंड्यूस इसमें हो जाएगा दस इंड्यूस करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ए बी सी डी एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट इट फ्लोज फ्रॉम बी टू टू बी वन तो बी टू से बी वन में जो है वो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा

द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट तो हर जो है हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है और इसको हम लोग ऑल्टनेटिंग करंट ए सी करंट कहते हैं अब जो कार्बन ब्रशेज हैं उसका क्या फंक्शन है तो कार्बन ब्रशेज बी वन बी टू आर प्रेस्ड अगेंस्ट स्लिप रिंग्स टू मेंटेन कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट विद रिंग्स एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू जनरेटर थ्रू ब्रशेज तो देखो जो कार्बन के ब्रशेज हैं बी वन बी टू आर प्रेस्ड अगेंस्ट स्लिप रिंग्स स्लिप रिंग्स पर प्रेस्ड हैं टू मेंटेन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद रिंग्स तो मेंटेन के रिंग्स के साथ इसने कांटेक्ट बना रखा है एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू जनरेटर थ्रू ब्रशेज तो एक्सटर्नल सर्किट जो है जनरेटर से ब्रशेज की हेल्प से कनेक्टेड है नेक्स्ट है वैन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ वेरी लो करंट फ्लोज थ्रू इट इज़ वेरी हाई तो जब रेजिस्टेंस सर्किट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो करंट ज़्यादा होता है जब रजिस्टेंस कम तो होगा तो करंट बहुत ज़्यादा होगा दिस सिचुएशन इज नोन एज शॉर्ट सर्किट तो जब बहुत ज़्यादा सर्किट में करंट आ जाता है ना तो उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं शॉर्ट सर्किट में अकर वेन टू मैनी शॉर्ट सर्किट हो सकता है जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक अपलायंस आर कनेक्टेड तो टू अ सिंगल सॉकेट और हाई पावर रेटेड अपलायंस इज कनेक्टेड टू अ लाइट सर्किट तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जा रहा है ना किसी सॉकेट में बहुत सारी चीज़ें आपने एक ही प्लग में लगा दी तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स इफ द इंसुलेशन ऑफ वायर्स इज डैमेज और देर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इं टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट शॉर्ट सर्किट अकर या फिर जो है भाई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर साथ में आ जाए या फिर कुछ वायर्स में डैमेज हो जाए गड़बड़ हो जाए फॉल्ट हो जाए वायर्स में तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है इन सच सिचुएशन करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज तो इससे क्या होता है करंट जो होता है सर्किट का वो बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो जाता है या तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाए ठीक है इसकी वजह से भी या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह जैसे फॉल्ट fault, फॉल्टी uh, हो जाए जैसे जो वायर वगैरह होता है वो खराब हो जाए उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर अर्थ वायर का क्या काम है व्हाई इट इज नेसेसरी

जरूरत होती है तो ग्रीन कलर्ड इंसुलेशन वायर इन द डोमेस्टिक सर्किट इज अर्थ वायर तो ग्रीन कलर का जो इंसुलेशन वायर होता है ना उसी को हम लोग अर्थ वायर कहते हैं इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस तो ये जो है अर्थ मतलब जमीन के अंदर से इसका कनेक्शन दिया जाता है अर्थ वायर का इट इज कनेक्टेड टू मेटल पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक प्रेस टोस्टर टेबल फैन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा इफ द लाइव वायर गेट्स डैमेज एंड टच द मेटल पार्ट करंट फ्लोज टू द अर्थ दो अर्थ थ्रू द अर्थ वायर प्रिवेंटिंग डैमेज टू अप्लायंस एज वेल एज द यूज़र तो देखो जो ये इलेक्ट्रिक जो शॉक दे सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई पावर के जो इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज होते हैं ना इसमें अर्थ वायर होता है और घर में जब कनेक्शन किया जाता है उसमें भी अर्थ वायर जो है ज़मीन में डाला जाता है तो अगर कुछ शॉक वॉक लगना हो तो जो अपलायंसेज में जो ग्रीन कलर का वायर होता है अर्थ वायर होता है वो डायरेक्ट जो हमारे घर का सर्किट पूरा का पूरा होता है उसके अर्थ वायर से कनेक्ट होकर के सारा का सारा जो शौक लग सकता था इंसान को या कुछ भी हो सकता था तो वो अर्थ में ही सारा का सारा शौक भेज दिया जाता है यही है इसका थैंक यू